दोस्तों टीवी एक्टर्स की लाइफ हमें जितनी इजी लगती है उतनी इजी और आसान उनकी लाइफ होती नहीं है। जी हाँ, हम उनको देखते हैं पर्दों पर हमको और हमको ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में तो हर चीज़ स्मूथ है और इजी चल रही है, लेकिन उनके ज़िंदगी में भी आते हैं कई उतार चढ़ाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पिंजरा खूबसूरती का के लीड एक्टर साहिल उपल के बारे में। जी हाँ, साहिल उपल जो इस वक्त आपको दिख रहे हैं मयूरा और ओमकार के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जो लीड पैर है पिंजरा खूबसूरती का सीरियल के, उसमें की जो साहिल है उनके लाइफ में एक ऐसा वक्त था जब उनको ऐसा लगा था कि यहाँ पर उनका मुंबई में कुछ नहीं हो पा रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे और वो डिप्रेशन में गए थे और वो अपने घर चले गए थे, जबकि उन्होंने 4 प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में बात किए थे, ऑफर्स मिले थे और वो करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ऐसा लगा कि थिंग्स आर नॉट राइट और वो डिप्रेस इतने हो गए थे कि उनको कुछ समझ नहीं आया और वो दिल्ली अपने घर लौट गए थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है वो डिप्रेशन से बाहर निकले, बट उन्होंने अपना जो है डट कर लड़े रहे, करते रहे, ऑडिशंस देते रहे और जो है खुद को प्रूव करने की कोशिश करते रहे और फाइनली अब आप देख सकते हो कि उनको सीरियल मिला है पिंजरा खूबसूरती का और लोग उसे काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं, जो मैसेज वो देना चाहते हैं इस सीरियल से। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, क्या आपको ये न्यूज़ पता थी? नहीं, लेकिन ऐसे ही सिर्फ साहिल की बात नहीं बल्कि ऐसे कई टीवी एक्टर्स हैं जो काम नहीं मिलने से डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जब हम सीरियल्स देखते हैं कि ये लोग कितने खुश हैं, ये लोग अपने एक्टिंग और अपनी लाइफ से कितना प्यार करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। सारे इंसान ही होते हैं और सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। तो दोस्तों आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या कहना है, क्या आप देखते हो ये सीरियल और क्या आपको अच्छी लगती है उनका यानी कि जो है साहिल की एक्टिंग, मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए फिल्म बीच।